फवाद चौधरी, आपको मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आपने ये एक आपका जो माइंड सेट है वो एक बड़ा मुख्तलिफ और एक रिफ्रेशिंग माइंड सेट है कि आपने फैसला किया जब आपको मिनिस्ट्री मिली कि ये जो एक डॉर्मेंट मिनिस्ट्री पड़ी है इस पर कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान सब कुछ बना सकता है। देखें, मैं आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ। जो चीज़ एक कौम को ऊपर लेके जाती है वो उसके वसाइल नहीं, यानी तेल के ज़खीरे बैठे हों तो कौम प्रोग्रेस नहीं करती, हीरे हों, सोना आपकी ज़मीन से निकले फिर भी कौमें नहीं आगे बढ़ती, क्योंकि अगर बढ़ती होती तो आज कॉन्गो एक बड़ी अमीर कौम बनी होती, नाइजेरिया एक बड़ा एक दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होती, और भी आप दुनिया की कौमें देख लें। जो एक कौम को जो क्वालिटीज़ ऊपर लेके जाती हैं वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी का जो लफ्ज़ है, सेल्फ बिलीफ। एक कौम अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर देती है और वो जब बिलीव करती है वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती है उसके अंदर ये बिलीफ पड़ता जाता है, वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है एक कौम कि वो समझती है कि जो भी हमारे सामने मुश्किल आए हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। एक कौम जब इस माइंडसेट पे पहुंच जाती है तो वो एक इनविंसिबल बन जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। छोटा एक बरतानिया इतना सा जखीरा सारी दुनिया के ऊपर हावी हो गया, उसके अंदर क्या थी, क्या कौन सी क्वालिटीज थी कि वो दुनिया को फतेह कर लें। और उसी तरह जब आप अपनी तारीख देखें इस्लाम की तो ये एक कभी भी दुनिया की तारीख में इस तरह का फिनोमेना नहीं आया, एक तारीख का हिस्सा है कि कैसे वो लोग जो के हिजरत करके आए मदीना में 622 में 622 एडी में और मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया पहले 5 साल, खतरा था कि कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाती, एक जंग जीते बदर की, 313 लोग थे 624 में 624, उसके बाद मुश्किल से बचे अगली 2 जंगों में और फिर 636 में मदीना के पहुंचने के 14 साल बाद वो जो एक सुपर पावर है रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, वो उनसे हारती है यरमुक में और अगले साल उनसे हारती है जो दूसरा एम्पायर होता है पर्शियन एम्पायर, वो हारता है कर्सिया में। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद, इस दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद वो दुनिया स्पेन से लेके 50 साल के बाद स्पेन से लेके तकरीबन हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। तो वो क्या चीज़ थी, ये मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूँ बार बार इस फिनोमेना को स्टडी करें, क्योंकि अल्लाह हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो। वो क्यों कहता है अल्लाह, क्योंकि उनसे कामयाब आदमी दुनिया की तारीख में नहीं आया और वो जो मॉडल था मदीना का उसके ऊपर एक दुनिया की एक ऐसा सिविलाइजेशन कायम हुआ अगले 600 साल तक जो हर चीज़ में लीड करता था, लीडिंग सिविलाइजेशन था, साइंसेस में सारे टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे। तो वो जो मॉडल बेस किया था वो मदीना का था और इसलिए ये हमें तो शुरू में समझ भी नहीं आती थी कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, लेकिन सुन्नत पे इसलिए चलो कि वो अगर इंसान उस पे चलता है तो वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन जाता है। और वो जो स्टेट थी मदीना की, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे उस स्टेट के, अगर आप उन पे चलो तो आपकी कौम ऊपर आ जाती है। जब भी मुसलमानों की अगर आप तारीख पढ़ें
तो रिवाइवल आई है, तो हमेशा कोशिश की गई है उन असूलों को अडॉप्ट करो जिन जो असूल थे मदीना की रियासत में। तो जो सबसे बड़ा असूल था वहाँ एक सेल्फ बिलीफ आ गया था, वो अपने आप को अंदर बिलीव करने लग गए थे। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ेन की लिमिटेशंस हैं, जो गुलामी है, उससे आज़ाद कर दिया था। ये जो जिसको इलामा इकबाल कहते हैं जो शाहीन था, मर्द मोमन की बात करते हैं, वो एक आज़ाद इंसान होता है, वो ही सिर्फ दुनिया में ऊपर जा सकता है सबसे। उसके लिए एक जहन चाहिए होता है जो बिलीव करता है कि कोई भी चीज़ हो तो मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो क्वालिटी होती है, इससे एक इंसान अपने अंदर पोटेंशियल डेवलप करता है। अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया था तो उसने जब फरिश्तों को कहा था कि इसके सामने झुको, तो जब शैतान नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसको क्या पावर दी है, इसके नॉलेज क्या दी है। तो वो जो नॉलेज है वो डिस्कवर कैसे करता है इंसान, वो कभी भी एक गुलाम जहन नहीं डिस्कवर कर सकता, जो सिर्फ डिपेंड करता है कि जी अच्छा बाहर से इम्पोर्ट आ जाएगी या बाहर से नॉलेज आ जाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो जहन आगे नहीं बढ़ सकता। जहन आगे वो बढ़ता है जो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हमारी जो मुल्क की जो अगर मैं ये समझूं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह ये बड़ा था एक वक्त पे 60s में, पाकिस्तानी जो दुनिया में व्यू किए जाते थे, जो पाकिस्तानी के अंदर भी सेल्फ बिलीफ आता जा रहा था, वो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपना रास्ता खो बैठे। वो जो सेल्फ बिलीफ था वो प्रोपेल कर रहा था इस मुल्क को, जिसके ऊपर प्रेडिक्शंस करते थे कि पाकिस्तान कैलिफोर्निया बनेगा एशिया का, सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती कि हमारे अंदर ये जो सेल्फ बिलीफ आना था वो नहीं आया। जो सबसे एक चीज़ प्लीज़ याद रखना कि जो हम आर्ग्यूमेंट सुनते हैं जी कलोनियलिज्म आई और उन्होंने लोगों को एजुकेट कर दिया, हिंदुस्तान में अगर ना आती तो हम पता नहीं पीछे चले जाते या अंग्रेज़ की गुलामी ना होती। कलोनियलिज्म का जो सबसे बड़ा एक कौम के ऊपर नुकसान करती है वो गुलामी, वो इंसान को जो जब आप आज़ाद भी हो जाते हैं लेकिन ज़हनी गुलामी रह जाती है। मैं जब पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में टेस्ट खेलने गया, मैं 18 साल का था, तो मुझे याद है हमारे सीनियर प्लेयर हमें कहते हैं कि देखें अंग्रेज़ से जीतना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर हम इज़्ज़त से हार गए तो हमारी यही जीत होगी। हमारे अपने सीनियर प्लेयर ही कह रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ, हम जो मैच जीतने लगते थे हम वो कहते थे, वो एक्सप्रेशन आता था कि वी स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हम अपने अंदर ही नहीं मानते थे कि हम जीत सकते हैं। जब आप शुरू में कहें कि जी इनसे आप जीत ही नहीं सकते तो आप जीतेंगे कैसे। सो वो जो ये जो अभी भी कॉम्प्लेक्स हमें पड़ा हुआ था कि वो हमारे से वो बड़े सुपीरियर हैं और उनकी टेक्निक ऐसी है और वो, तो वो जब तक वो कॉम्प्लेक्स रहा हम नहीं जीत सके थे। जब इवेंचुअली जीतना शुरू किया तो उस जेन को आज़ाद किया। तो यही जब मैंने शौकत हानम का फैसला किया बनाने के लिए, तो मैं जिससे कहूं कि जी पाकिस्तान में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें थी, डॉक्टर्स चाहिए, उसकी इक्विपमेंट है बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगी क्योंकि डायग्नोस्टिक और फिर जो ट्रीटमेंट की इक्विपमेंट है वो बड़ी महंगी है, उनकी मशीनें बड़ी सेंसिटिव हैं, और फिर हमारे पास ऑनकोलॉजिस्ट नहीं है, और सारी चीज़ें मैं सुनता था क्योंकि जी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की वो नहीं बना सकी तो आप कैसे बनाएंगे। और जब ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बन गया, फिर हमने फैसला किया हम रिसर्च करेंगे, कैंसर सिंपोजियम किया हमने, इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम। शुरू में हमारे बड़े थोड़े से लोग आए, जो अब हमारे कैंसर सिंपोजियम होता है इंटरनेशनल कैंसर सिंपोजियम, कितने हैं फैसल, हज़ारों में दुनिया से लोग आते हैं, और हम पेपर्स पब्लिश करते हैं हर साल
जो कि इंटरनेशनली दुनिया में जाते हैं. कहने का मेरा मकसद ये कि ये जो कोरोना वायरस है, इससे दो तीन चीज़ें हमारे मुल्क में सामने लेके आए. एक कि अगर दुनिया में डिमांड हो वेंटिलेटर्स की, तो हर चीज़ आप ज़रूरी नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं. और अब सोचना शुरू किया, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना. मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है. और फिर बाकी जितने भी सैनिटाइजर्स, ये सारी डिसइंफेक्टेंट्स, ये यानी एक 22 करोड़ के लोग अवाम, कैसे हो सकता है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं. बिकॉज हमारा जो माइंडसेट था अब तक, वो माइंडसेट से हम नहीं निकल पा रहे. एक डिपेंडेंसी सिंड्रम है कि जो होगा जी वो हमारे से आगे हैं, तो उनसे ही हम, वो जो हमें नॉलेज देते रहेंगे वो हम लेंगे. हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं आया. और हम जो दूसरी सेकेंड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमने कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि तालीम पे नहीं पैसा खर्च किया, रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, क्योंकि हम ये सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर भी कैपेसिटी है, हम भी इन्वेंट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं. हमारे वही पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं और वो हर चीज़ में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं. तो क्या वजह है? अगर वो सिस्टम मिलता है जिस सिस्टम के अंदर हमारे लोग जाके एक्सेल कर सकते हैं, तो यहाँ सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते? और वो इसलिए नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक हमारी रूलिंग एलीट के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी सिंड्रम. एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीज़ों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहाँ बनाएंगे. दूसरी चीज़ क्या चीज़ सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक्तदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते, नहीं तो चेकअप भी बाहर करवाते थे जाके. खांसी होती थी तो सारे गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सपेंस के ऊपर, इस टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बाहर इलाज होता था सबका. असेंबली मेंबर्स भागे जा रहे हैं इलाज, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली, सब बाहर इलाज होता था. आज वो जा नहीं सकते, वहां ज्यादा खतरा है. तो इससे दूसरी चीज हुई कि हमें अपने अस्पताल ठीक करने हैं, हमने अपने अस्पतालों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, हमने अपनी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इसके ऊपर जोर लगाना है कि आगे कोई इस तरह की चीज आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम. और ये जो सेकंड चीज है, जब तक के हमारे मुल्क के जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हम यहाँ नहीं इलाज करवाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं ठीक होंगे. यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारी आंखों के सामने डिटीरिएट हुए हैं. मैं पैदा हुआ था मेयो हॉस्पिटल में, मेरी सारी बहनें पैदा हुई थी. शुरू में जब भी कोई खेलते हुए कोई चोट लगती थी, टांके लगाने मेयो हॉस्पिटल जाया करते थे. और अब पैसे वाले लोग सोचते भी नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स. और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर अच्छा इलाज करवाना है वहाँ करवाओ, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. और ये फिर तीसरी चीज़ सामने आई है, कोरोना की तीसरी चीज़ क्या सामने आई है? अब तक ये होता रहा कि जनाब गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है. हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज़्यादातर गरीब के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है. मेलन्यूट्रिशन 25% बच्चों को है, फिक्र नहीं, गरीब का बच्चा है. 40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है, किसी को फिक्र ही नहीं है, क्योंकि गरीब लोग हैं. अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता. आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला,
वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा? नहीं, अमीरों ने सोचा, अच्छा जी दो तीन, ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। हिंदुस्तान ने तो हमारे से भी ज्यादा, जितना वो जो उनका स्ट्रांग मैन नरेंद्र मोदी है, कहता जी उसका 50 इंच का चेस्ट है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। बेचारे लोग 200-200 मील चल के जा रहे, गरीब लोग थे हिंदुस्तान में, सोचा ही नहीं कि आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। ये तो हमारा जो अब हमें क्या नजर आया कि अगर आप गरीबों की बस्तियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना अगर गरीबों की बस्तियों में फैलेगी, वो फिर अमीरों की बस्तियों में भी चली जाएगी। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिंगापुर ने क्या किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लॉकडाउन कर दिया और जनाब कर्व उनकी फ्लैट हो गई। उसके बाद लॉकडाउन खोला, एकदम कोरोना फिर फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि वो जो सबसे उनके गरीब इमिग्रेंट वर्कर्स थे, जो 6-6 7-7 एक कमरे में थे, उनकी उन्होंने फिक्र नहीं की जब लॉकडाउन किया हुआ था, तो उनके अंदर से वो फैल गई सारी, फिर से उनको अब लॉकडाउन करना पड़ा। तो इसलिए हमें भी जब फैसले करेंगे पाकिस्तान के अब से, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का वो तबका जो कमज़ोर तबका है, जो कच्ची बस्तियों में है, जो हर रोज फेस करता है, हर दूसरे दिन मौत देखता है, उसके बच्चों का देखता है कि हाल के गंदे पानी की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, या वो देखता है कि ये हेपेटाइटिस सी हर जगह फैली हुई है, लिवर ख़राब हो रहे हैं, जल्दी मर रहे हैं। तो उन लोगों को हम आज कह रहे हैं कि जनाब कोरोना आ गई है तो आप बंद हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। पहले वो डिस्टेंसिंग कैसे करें, 6-6 7-7 एक कमरे में, और कह जी हाथ धो साफ, फिर वहाँ पानी नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत। सो इसलिए मुल्क आगे जब बढ़ता है, सो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कि जब मुल्क बढ़ता है तो एक मुल्क एज ए होल बढ़ता है, एक एलीट ऊपर नहीं जाती। ये जो हमारा एलिटिस्ट कल्चर बना हुआ था, जिसकी वजह से सारा डिपेंडेंसी सिंड्रोम भी है, बिकॉज जो हमारी एलीट थी वो इतनी मुतासिर थी मगरब से कि वो सोचते नहीं थे कि हम कभी उनसे मुकाबला करेंगे, तो हर चीज़ इंपोर्ट करते रहो। ये सोचा ही नहीं कि हम अपनी अपने मुल्क को खड़ा करेंगे, ये सोचा ही नहीं कि अगर एलीट के हालात अच्छे हैं तो वो सोचा ही नहीं कि आम आदमी के हालात कैसे हैं। और कभी भी एक अमीरों का जजीरा जिसमें गरीबों का समुंदर हो, वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना ने साबित किया, 30 साल पहले चाइना क्या था, आप 30 साल पहले चाइना जाते आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो आज जिधर वो पहुंच गया। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर लेके आए। जब नीचे से लोगों को ऊपर लेके आए, मुल्क भी ऊपर चला गया। हमारा ये है जो आगे हमने जाना है, जो कोरोना ने हमें चीज़ क्या सामने लेके आई कि सबसे पहले अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपने मुल्क में ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है, अपने हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सारी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी वहाँ जो भी चीज़ें वो इनोवेट होती हैं, चीज़ें जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं, सारी आती हैं उनकी जो डिफेंस है उसकी कनेक्शन है प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो फीड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। सारी इनोवेशंस और नई चीज़ें और इन्वेंशंस इस तरह आगे आती हैं, इस तरह उनका मुल्क ऊपर जाता है। हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था डिफेंस प्रोडक्शन और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह ये जो आगे का कोर्स हम जिस तरफ जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम अब इंश्योर करेंगे जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है। पहले तो 1-1.5 साल तो सर्वाइवल में ही गुजर गया, अपनी इकॉनमी स्टेबलाइज करने में लग गया, डिफॉल्ट से बचाने में लग गया, लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक विजन चार्ट आउट करें अपने मुल्क की कि हमने आगे जो जाना है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो मुल्क की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एक पूरी विजन बने हमारी जो हम उसके ऊपर पूरे लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह कौम को एक पूरी विजन देंगे। और वो जो विजन होगी वो एक छोटे से तबके के लिए नहीं होगी, वो सारे मुल्क के लिए होगी, और वो सेंट्रिक इस तरह होगी कि ये जो हम कच्ची बस्तियाँ हैं, हमारी गरीबों की बस्तियाँ, इनको सबसे ज़्यादा अब हमने ज़ोर लगाना है कि इनको हम अपने कैसे उठाना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी को ऊपर उठाएंगी, हम कौन सी वो स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह हम लोगों को गुर्बत से निकालेंगे, और हमने
चाइना से बड़ी चाइना जब हम गए थे तो उनसे हमने बड़ी डिटेल्स प्रेजेंटेशंस ली कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए थे कि अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए, और उसके अंदर की ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक मुल्क चलता है शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर, वो कभी भी ये नहीं कर सकता। हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक विजन, और उसके बाद फिर एक सेल्फ बिलीफ। जब एक कॉम बिलीव करने शुरू हो जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमें एक बहुत बड़ा जो हमारे पास मदद करेगा, ये जो हमारा प्रोग्रेस है और जो ये इंशाल्लाह कॉम अपने पोटेंशियल पे जब पहुंचेगी, तो हमारे पास एक मॉडल है। हमें पता है कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल बनाया था, एक इंसान कैसे ऊपर जाता है, अपना पोटेंशियल अचीव करता है, एक कॉम कैसे जाती है, और हमारा जो असासा इस वक्त है वो प्लीज़ याद रखें ओवरसीज पाकिस्तानी। हमारे 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, वो उनमें से एक तो रोज़ी कमाने के लिए काफ़ी गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, हमारा जो बेस्ट टैलेंट था, क्योंकि हमने एक सिस्टम में मेरिट नहीं रखी, एक सिस्टम जो मेरिट को डिस्करेज करता था, हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो आखिर में मुल्क से बाहर गया, और वो हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। सो हम जैसे जैसे अपने सिस्टम्स ठीक करते रहेंगे, हमारे पास ये टैलेंट वापस आना चाहता है, वो वापस आएगा। जैसे हम अपने इदारे ठीक करते रहेंगे, जिस तरह शौकत खानम था, शुरू में तो यहाँ डॉक्टर्स ही नहीं थे हमारे पास जो स्पेशलिस्ट थे जिनको जो कैंसर हॉस्पिटल चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि इंस्टीट्यूशन बन गई है जो मेरिट में चलती है, जिसके अंदर एक कानून है, रूल ऑफ लॉ है अपने इंस्टीट्यूशन का, और आहिस्ता आहिस्ता सारे हमारे जो तकरीबन डॉक्टर्स हैं, जो टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल्स हैं, सब बाहर से आए हैं, पाकिस्तानी जो बाहर से आए हैं। आप अगर मिडल ईस्ट में चले जाएं और उनका कोई भी स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल में जाए, वहां मुश्किल से उनके जो लोकल्स हैं वो 4 या 5% है। यहां हम एक क्वालिटी कैंसर हॉस्पिटल बना सकते हैं, सारी पाकिस्तानी को हम एम्प्लॉय करके उसको चला सकते हैं, जो हम हर इदारे को इस तरह चला सकते हैं इस मुल्क में, क्योंकि हमारे पास पूल बैठा हुआ है बाहर क्वालिटी लोगों का, प्रोफेशनल्स का, और जब भी जैसे जैसे सिस्टम्स ठीक होते जाएंगे इंशाल्लाह वो वापस आते आएंगे। मैं आखिर में फौज चौधरी आपको फिर से, ज़ुबैदा आपको मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, और ये जो आपने चीज़ें यहाँ लोकली प्रोड्यूस करना शुरू किया है और एक्सपोर्ट्स का सोचा, ये बड़ा ज़बरदस्त एक ये वे फॉरवर्ड है, ये है जो मेरी नज़र में नया पाकिस्तान है।